subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजीम खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल IHT फैंटेसी पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है और लेडी तो क्रिकेट का कोई मैच अवेलेबल नहीं है, क्रिकेट का कोई मैच नहीं हो रहा है। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक का नाम है हाउ टू प्ले अ बास्केटबॉल ऑन अ ड्रीम इलेवन। तो आज मैं बताने वाला हूं आपको कि आप बास्केटबॉल कैसे खेल सकते हैं ड्रीम इलेवन पर, कैसे अपनी टीम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक के। जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, ये अपकमिंग मैचेस हैं बास्केटबॉल के जो ड्रीम इलेवन पे शो हो रहे हैं। आपको अगले 6 दिन में मैच होने वाला है, तो यहाँ इसकी टीम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। टीम सेलेक्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है फ्रेंड, नॉर्मली आपको इस पर जस्ट क्लिक करना है और इसकी सारी मैं इन्फो धीरे धीरे आपको बताता रहूँगा। बास्केटबॉल में अगर आपको इन्फो नहीं है कि कौन कौन सी पोजीशन होती है, सीटिंग पोजीशन होती है, तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जैसे कि फील्ड में क्रिकेट ग्राउंड, आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में ऑब्वियसली थर्ड मैन, गली, स्लिप पॉइंट एक्सेट्रा मैनी थिंग्स होती हैं, बहुत सारी पोजीशन होती हैं। वैसे ही इसमें 4-5 पोजीशन होती हैं, तो बता देता हूँ। फर्स्ट पोजीशन होती है PG मिड पॉइंट गार्ड, सेकंड पोजीशन होती है SG मतलब शॉट गार्ड, शूटिंग गार्ड। शूटिंग गार्ड पे जो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन होती है वो हर प्लेयर के लिए, जो प्लेयर वहाँ पे होता है उसको पॉइंट्स करने के काफ़ी चांसेस होते हैं। जो थर्ड पोजीशन होती है वो SF स्मॉल फॉरवर्ड, चौथी पोजीशन होती है PF पावर फॉरवर्ड और जो पांचवी पोजीशन होती है सेंटर। सेंटर में जो प्लेयर होता है फ्रेंड वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है आपके लिए, क्योंकि उसको पॉइंट करने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो जो सेंटर प्लेयर आपको लेना है वो ध्यान से लीजिएगा। बास्केटबॉल में वैसे तो कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं होती है फ्रेंड, नॉर्मली 5-5 प्लेयर्स की टीम होती है। बट अगर आप यहाँ पर खेलते हैं ड्रीम इलेवन में, तो आप यहाँ 8-8 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट कर सकते हैं। बस मैक्सिमम आप 5 प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम ले सकते हैं, ज़्यादा प्लेयर्स नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर टीम सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसा कि फ्रेंड आपको देख रहा है कि मैंने रैंडम टीम सेलेक्ट कर ली है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करना, जैसा कि आपको ड्रीम इलेवन में पता है आप क्रिकेट मैचेस खेलते हैं तो आपको वहाँ पर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन दो ऑप्शंस मिलते हैं। कैप्टन हम लोगों को 2 इंटू पॉइंट देता है एंड वाइस कैप्टन हमें 1.5 इंटू पॉइंट देता है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक SP प्लेयर होता है। SP प्लेयर मीन स्टार प्लेयर। स्टार प्लेयर आप सजेस्ट कर सकते हैं लाइक कैप्टन के तौर पर आप ले सकते हैं, क्योंकि स्टार प्लेयर जो भी आपको रहने वाला है वो आपको 2 इंटू पॉइंट अवेलेबल कराएगा। 2 इंटू पॉइंट मीन आपके जीतने के चांसेस वो ज़्यादा इंक्रीज कराएगा। तो आप स्टार प्लेयर्स को ऐसा लीजिएगा फ्रेंड जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दिला। इट मीन अगर आपको स्टार प्लेयर लेना है तो मेरे हिसाब से तो आप शूटिंग गार्ड प्लेयर लीजिए या फिर आप सेंटर का प्लेयर लीजिए। अगर सेंटर का प्लेयर लेते हैं वो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं गोल करने के, एंड शूटिंग गार्ड का प्लेयर होता है वो भी ज़्यादा चांसेस होते हैं गोल करने के। जैसा कि मैंने आपको फ्रेंड बताया, सेंटर का प्लेयर जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि ये जो सेंटर का प्लेयर फ्रेंड अगर ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ गोल कर देता है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। इट मींस 2 टू 3 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर ये इस लाइन के बाहर से गोल करता है तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 3 पॉइंट ये दिलाता है, और अगर इस लाइन के अंदर से यहाँ से गोल करता है फ्रेंड तो आपको 2 पॉइंट दिलाता है। इट मींस ये अगर यहाँ बाई चांस गोल करता है, नहीं करता है, आपको पॉइंट दिलाएगा ही दिलाएगा। तो आप सेंटर प्लेयर जो है वो काफ़ी अपने ध्यान से लीजिएगा, लंबा चौड़ा, क्योंकि जो भी बास्केटबॉल के प्लेयर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाट टॉल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो आप उसी टाइप से एनालाइज करके अलग साइड से, जो मैं आपको अभी बता दूंगा कि आप कौन सी साइड से एनालाइज कर सकते हैं प्लेयर्स की, कौन सी टीम बेस्ट रहेगी, कौन सा प्लेयर बेस्ट रहेगा, वो भी आपको बता दूंगा मैं अभी। और क्रिकेट की तरह फ्रेंड इनका मैच 20-20 और टेस्ट की तरह नहीं होता है, इनके 40 मिनट का मैच होता है जो कि 10-10.5 मिनट्स के क्वार्टर्स होते हैं। उसमें 4 क्वार्टर्स खेले जाते हैं। 4 क्वार्टर्स में जो टीम ज़्यादा गोल करती है, जो टीम ज़्यादा स्कोर करती है वो जीत जाती है। लाइक अ क्रिकेट, जो टीम ज़्यादा स्कोर करती है वो जीत जाती है। सो वैसे ही बास्केटबॉल में होता है, जो ज़्यादा गोल करेगा वो जीत जाएगा। तो फ्रेंड जैसा कि मैं आपको बताने वाला था कि आप कौन से प्लेयर को कहाँ से एनालाइज़ कर सकते हैं कि प्लेयर कौन सा कैसा खेलेगा, बेटर खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ से आप एनालाइज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो साइट है वो है फ्रेंड रोटोवायर। रोटोवायर एक बहुत ही बढ़िया ऐप है, प्रोफेशनली वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके साइट पे सर्च कर सकते हैं कौन सा प्लेयर बेनिफिशियल है आपके लिए बास्केटबॉल की टीम के लिए, कौन सा प्लेयर नहीं है। जो प्लेयर यहाँ पे बैट्समैन बेस्ट होगा सबसे आपके लिए वो आपको सजेस्ट किया जाएगा। जो सेकेंड सबसे बेस्ट साइट होती है वो है सोफा स्कोर। सोफा स्कोर भी एक बेस्ट साइट है फ्रेंड, जहाँ पे आपको सजेशन मिलेंगे, बढ़िया से बढ़िया सजेशन मिलेंगे, स्कोर भी वहाँ पे आपको सजेस्ट किया जाएगा, स्कोर भी वहाँ पे आपको शो होगा। बस वहाँ पर क्रिकेट का छोड़कर बाकी सभी स्पोर्ट्स का स्कोर शो होता है। और जो थर्ड वेबसाइट है वो है NBA ऑफिशियल। NBA ऑफिशियल फ्रेंड जैसे कि मैं आपको बताया बास्केटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है NBA। NBA में जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड कि 40 मिनट का हाफ होता है मैच, 10-10 मिनट के 4 हाफ होते हैं, बट NBA में ऐसा नहीं होता है। NBA में 48 मिनट का मैच होता है और वहाँ 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफर होता है NBA और डोमेस्टिक इंटरनेशनल मैचेस में, तो आप उससे कन्फ्यूज मत होइएगा। आप जैसा कि आपको सारी इन्फो मैं दे चुका हूँ, और अगर आपको ज़्यादा इन्फो और यूज़ करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ।
आपको टेलीग्राम ऑन करना है, टेलीग्राम ऑन करके वहाँ पे सर्च करना है ISG Fantasy ऑन कर दें फ्रेंड, ये ऊपर ही आ जाएगा ISG Fantasy। ये देखिए डे बाय डे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो बनाई थी हमारे 17 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर थे एंड आज 18.7 के सब्सक्राइबर हैं, तो इट मीन्स फेक चैनल नहीं है फ्रेंड, लगातार हमारे सब्सक्राइबर बढ़ ही रहे हैं, तो आप भी इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको बेनिफिशियल आपके लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपको मैच से रिलेटेड नहीं सभी से रिलेटेड इन्फो मिल जाएगी कि कौन सा प्लेयर कैसा है, कौन सी टीम खेलेगी, कौन सा प्लेयर बेस्ट है, सभी इन्फो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया चैनल है और काफ़ी ट्रस्टेबल है। तो इसके साथ साथ ही अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप नए हैं यहाँ पर तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हमारा आपको वीडियो की नई नई अपडेट मिस ना हो पाए और आप नई नई वीडियोज़ हमारी देख सकेंगे। तो हम जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए जिसके थ्रू आपको नई नई वीडियो और नई नई अपडेट्स देखने को मिल सकती हैं। और एक बात और खास बात मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि फ्रेंड आपने बताया मैंने ड्रीम इलेवन पर आप खेल सकते हैं, वैसा ही सेम आप माई टीम इलेवन पर भी खेल सकते हैं। माई टीम इलेवन जिसका आइकन कुछ ऐसा दिखने वाला है फ्रेंड, इसके अंदर भी बास्केटबॉल के टूर्नामेंट हो रहे हैं, जैसा कि क्रिकेट नहीं चल रहा है अभी तो मैं बता देता हूँ आपको, बास्केटबॉल इसके अंदर भी है। लाइक देखिए यहाँ पर भी पूरा टूर्नामेंट का यहाँ पे वो दे रखा है प्रीव्यू ऑफ टूर्नामेंट, शुरू होने वाला है, मैचेस शुरू होने वाले हैं बास्केटबॉल। अब वैसे ही आप इसमें टीम सेलेक्ट कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको ड्रीम इलेवन में बताया सेम इंटू उसका ही वैसा ही फीचर है, बट यहाँ पर जीतने के चांसेस आपके ड्रीम इलेवन एज कम्पेयर टू ड्रीम इलेवन यहाँ ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि यहाँ थोड़ा पब्लिक कम है, रिक्वायरमेंट्स कम रहती हैं और विनिंग चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस पर भी खेल सकते हैं और ड्रीम इलेवन भी खेल सकते हैं, जहाँ आपकी इच्छा चाहें वहाँ आप खेल सकते हैं फ्रेंड। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स अगेन।